हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुदर्श विद आरबी। तो आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ आप कैसे नेविगेशन मेन्यू बार कैसे बना सकते हैं यूजर एचटीएमएल एंड सीएसएस। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यही सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ तो आज की वीडियो में बनाने जा रहे हैं ये बेहतरीन सा एनिमेटेड नेविगेशन मेन्यू यूजिंग एचटीएमएल एंड सीएसएस। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो आप ये देख सकते हैं आज की वीडियो हम ये बनाने जा रहे हैं। और आपको अगर इसे रिस्पॉन्सिव में मैं दिखाऊँ तो ये आपको ऐसा दिखेगा। हालांकि ये मैं आपको रिस्पॉन्सिव में बनाना नहीं दिखा रहा। तो ये आप ये देख सकते हैं आज की वीडियो में हम ये बनाने जा रहे हैं। तो यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी एनिमेटेड नेविगेशन मेन्यू की फाइल ओपन कर लेता हूँ। चूज अनदर ऐप, तो मैं नीचे गया, सबलाइन के जरिए से ओपन कर लिया, कंट्रोल ए करके इरेज किया, सेव किया। इससे भी आया स्टाइल तो सीएसएस के भी मैं वही करूंगा। चूज अनदर ऐप, मोर ऐप, नीचे गया, सबलाइन तक चले गए, ओपन, कंट्रोल ए, इरेज, सेव। अब बस अब मैं क्या करूंगा, फाइल ओपन की जहां पे हम लोग ने इसे लगा दिया और फिर इसे भी खोल दिया और इसे भी लगा दिया। अब जो ये सारी बाकी की चीजें थी वो मैं पहले हटा देता हूँ। अब मैंने हटा दी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है एचटीएमएल। अब एचटीएमएल लिखने के बाद यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ, सॉरी डॉक्यूमेंट। अब इतना करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको लिंक लिख देना है। लिंक आपको कर देना स्टाइल डॉट सीएसएस के साथ। लिंक स्टाइल डॉट सीएसएस के साथ मैंने कर दिया। एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस डिव दे देते हैं, क्लास दे देंगे हम इसकी कंटेनर की। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करने के बाद नेव यू एल एल आई पहलाई के बीच में सबसे पहले हमें होम लिख देना है। इधर से हम बीच में गैप दे देते हैं, इधर भी हम लोग गैप दे देते हैं। अब सबसे पहले मैं आशीष से कॉपी कर लेता हूँ, सर्विसेज होम सर्विसेज ब्लॉक, सॉरी होम सर्विसेज ब्लॉक, एक और फिर यहाँ पे हमने वापस एंटर प्रेस किया और फिर यहीं से हमने चार और फिर ये पांच। अब यहाँ पे होम सर्विसेज ब्लॉग क्लाइंट कॉन्टेक्ट, सेव किया, रिफ्रेश किया। अब इतना हमारा एचटीएमएल का काम हो चुका है। अब हम जाएंगे सीएसएस पे इजली पे। अब सीएसएस पे आपको लिख देना सबसे पहले मार्जिन जीरो, हमेशा की देना। पैडिंग आपको दे देनी है जीरो। बॉक्स साइजिंग आपको दे देना है बॉर्डर बॉक्स। फॉन्ट फैमिली आपको दे देनी है पॉपिंस, ओके पॉपिंस। कॉमा सेंस है देख, शेप किया, रिफ्रेश किया। तो अब ये देख सकते इतना हमारा हो चुका है। बट यहाँ से हमने इसे हटाया, इसे भी हटाया, पॉपिंस सेंस है, शेप किया, रिफ्रेश किया। तो इतना हमारा हो चुका है। एंटर प्रेस किया, डॉट कंटेंट। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप मैं क्या करता हूँ, ये कंटेनर है हमारा, इसे मैं ले आया और फिर इसे आपको डॉट के साथ पेस्ट कर देना, सॉरी डॉट के साथ पेस्ट। एंटर प्रेस किया, बैकग्राउंड 0000 ईबी, एंटर प्रेस किया, सॉरी ईबी नॉट, सॉरी हियर आई विल राइट गूगल। एंड अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख जाऊँ येलो कलर कोड। तो यहाँ पे बहुत से येलो कलर आ रहे हैं लेकिन इसमें से मुझे लाइट येलो कलर चाहिए, लाइट येलो कलर। तो यहाँ भी ये देख सकते हैं लाइट आ गया, सेव किया, यहाँ पे गए पेस्ट किया, एडिट किया, रिफ्रेश किया। क्यों इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने ये सेव रिफ्रेश। तो आप ये देख सकते हैं हमारा आज का वेट 100%, हाइट 100 bh, और फिर डिस्प्ले शुड बी फ्लेक्स, अलाइन आइकन शुड बी सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट शुड बी सेंटर। एंटर प्रेस किया, नेव आपको दे देना है बैकग्राउंड आपको दे देना, सॉरी बैकग्राउंड दे देना है FF। आपको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देना है 50, सॉरी रेडियस दे देना 50 pixels। एंड ब्रश किया, पैडिंग आपको दे देनी है 10 pixels। एंड ब्रश बॉक्स शैडो आपको दे देना है
बॉक्स, शैडो, जीरो, 25 पिक्चर्स, 20 पिक्चर्स, रकबा, रकबा 0000 और फिर 0.6। और फिर जब आपका इतना हो जाए तो अब आपको करना क्या है, इजीली जब आपको इतना हो जाता है तो यहीं से आपको एंटर प्रेस करना है नेव यू एल एल आई, एंटर प्रेस किया, लिस्ट स्टाइल दे देना है, लिस्ट स्टाइल शुड बी नन, डिस्प्ले शुड बी इन लाइन ब्लॉक, पैडिंग 10 पिक्सेल्स, सॉरी 15 पिक्सेल्स, 35 पिक्सेल्स, एंटर प्रेस किया, मार्जिन 10 पिक्सेल्स, एंटर प्रेस किया, फॉन्ट साइज 10 पिक्सेल्स, एंटर प्रेस किया, फॉन्ट वेट 500, एंटर प्रेस किया, कलर एफएफ, कर्सर शुड बी पॉइंटर, एंटर, पोजीशन रिलेटिव एंटर, और यहाँ पे हमने जैसे इंडेक्स दे दिया 2, एंटर, ट्रांजिशन आपको दे देनी है, कलर 0.5 सेकेंड, सेव किया, रिफ्रेश किया। अब आप ये देख सकते हैं इतना हमारा हो चुका है। अब आपको करना क्या है, एंटर प्रेस। अब एंटर प्रेस करने के बाद आपको करना क्या है, अब यहाँ से बस आपको थोड़े से कोड लिखने, नेव यू एल एल आई शुल बी आफ्टर, और फिर इनकी तरफ से आफ्टर कंटेंट एंटर प्रेस, बैकग्राउंड 0000EB बल्कि 10, एंटर प्रेस, विड्थ 100%, हाइट 100%, एंटर प्रेस किया, बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल्स, एंटर प्रेस, पोजीशन एफिलिएट, एंटर प्रेस, टॉप 100%, लेफ्ट 50%, एंटर प्रेस, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट शुल बी ट्रांसलेट माइनस 50%, कॉमा -50%, और फिर यहीं की तरफ से एंटर प्रेस किया, जेट इंडेक्स शुल बी -1, ओपेसिटी शुल बी जीरो, एंटर, लेफ्ट यू एल एल आई शुल बी हावर, एंटर प्रेस, और फिर यहीं की तरफ से कलर एफ एफ, एंटर, सॉरी नॉट नेफ यू एल एल आई शुल बी हावर इफेक्ट, सॉरी इफेक्ट, और फिर इनकी तरफ से आपको इनकी तरफ से एंटर प्रेस करना है, और फिर इनकी तरफ से आपको करना है, यहाँ पे आपको टॉप दे देना 50%, और इनकी तरफ से आपको पैसे दे देनी है 1, सो सॉरी यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ की तरफ से आपको हावर इफेक्ट नहीं देना, हावर आफ्टर दे देना है, और फिर इनकी तरफ से आपको ऊपर जाके जो एप है स्मॉल पे कर देना है, सेव करते हैं, तो अभी जब देख सकते हैं हमने हवा हमारा बन चुका है ये इजीली से आप नेविगेशन बार कैसे बना सकते हैं, नेविगेशन मेन्यू बार यूजिंग एचटीएमएल में से, इसमें ना थोड़ा मसला हो जाता है कभी कभार, अगर आप अपनी फाइल को सेव करके रिफ्रेश करें तो कभी कभार नहीं होता, तो आप अगर अपनी फाइल को ऐसे खोलेंगे जैसे अभी मैंने खोले तो आपका पूरा बना हुआ जाएगा। ओके, तो आपको उम्मीद है आपको जरूर वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी वीडियो को प्लीज लाइक करें, और अपने दोस्तों अपने फैमिली को हर वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।